हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी जैसे हमने एंसर सर्किट पढ़ रहे, तो एंसर सर्किट का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। रेजोनेटिंग एंसर सर्किट क्या होता है उसके ऊपर अभी थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, सो फिर से मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं एंसर सर्किट, सीरीज सर्किट। ओके, तो उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में लगा दिए, बराबर आर एल एंड सी। ओके, इधर करंट आई बन रहा है एट एनी इंस्टेंट, अरे बाप रे एसी से कनेक्ट करो, इधर करंट आई बन रहा है तो इधर भी आई बनेगा। यहां पे जो वोल्टेज बन रहा है वो आई के डायरेक्शन में बनेगा, यहां पे लीड करेगा, यहां पे लैग करेगा। तो हमने देखा भाई कि जिस डायरेक्शन में करंट बन रहा है उसी डायरेक्शन में ईआर बनते हैं, ईएल लीड करते हैं, ईसी लैग करता है। ओके, अगर सोचो ईएल और ईसी सेम, मतलब आई एक्सएल और आई एक्ससी सेम हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू अपोजिशन, करंट इनटू अपोजिशन, करंट सेम है क्योंकि सीरीज में लगे, मतलब एक्सएल और एक्ससी सेम हो गया। अगर किसी तरह एनी हाउ अगर एक्सएल और एक्ससी सेम हो गया, हो गया कैसे होता है मैं देख बताऊंगा आपको, बट इफ एनी हाउ एक्सएल और एक्ससी सेम हो गया बच्चों, तो देखो जेड क्या हो जाएगा। Z मतलब क्या है? टोटल अपोजिशन मतलब इंपीडेंस। तो Z क्या हो जाएगा? इट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। ये Z का फॉर्मूला है। अगर किसी तरह एक्सएल और एक्ससी सेम हो गया बच्चों, अगर ये किसी तरह सेम हो गया तो Z मिनिमम हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू R। बात समझ में आ रही है? मतलब ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। भाई XL और X, इसने जितना अपोज किया इसने जितना अपोज किया वो सेम है। अगर XL और XC सेम हो गया बच्चों तो Z मिनिमम हो जाएगा एंड दैट इज R। मतलब ये सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। और जब Z मिनिमम हो जाएगा, Z मतलब क्या? अपोजिशन, अपोजिशन मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैं बोलेगा भाई ये जो सर्किट है NCR सीरीज सर्किट इज इन रेजोनेंस। मैं बोलूंगा भाई सर्किट रेजोनेंस में चला गया, सर्किट अभी रेजोनेटिंग सर्किट है। सो याद रखो रेजोनेंस में कभी जाएगा सर्किट, रेजोनेंस में कब जाएगा? जब एक्सएल और एक्ससी एनी हाउ जो अपोजिशन इसने ऑफर किया है और जो अपोजिशन इसने ऑफर किया है, अगर एक्सएल और एक्ससी सेम हो गया किसी तरह एक्सएल और एक्ससी अगर सेम हो गया तो जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड अगर मिनिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैं बोलूंगा भाई सर्किट क्या हो गया? रेजोनेंस में चला गया सर्किट, रेजोनेंस, करंट मैक्सिमम। भाई करंट मैक्सिमम का मतलब समझ में आ रहा है? पावर मैक्सिमम, आउटपुट में जो पावर मिलेगा मजबूत मैक्सिमम मिलेगा, और उस सिग्निफिकेंस को हम यूज करेंगे, उसको देखते हैं अपन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके आप उसका एप्लीकेशन देख लेंगे, छोटा सा मैं आपको बता दूंगा। बट द थिंग इज ये रेजोनेंस में जाने के लिए एक्सएल और एक्ससी को सेम होना पड़ेगा। तो एक्सएल और एक्ससी कब सेम होंगे? व्हेन एक्सएल एंड एक्ससी विल बी सेम, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर एंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर सेम कब होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, याद करो एल ओमेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन सी ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो मेगा इज 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ओमेगा मतलब ये जो सिग्नल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ये जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चा? ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं यहां पे, आई राइट इट डाउन, दिस इज योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी।
ये फ्रीक्वेंसी कहां से आई? सोर्स से आई। सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो, ये जो ओमेगा है वो सोर्स से आता है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी आती है उससे डिसाइड होगा कि एक्सएल और एक्सी क्या है, सेम हो रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी सोर्स से आने वाली फ्रीक्वेंसी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही सोर्स से, ये जो सोर्स है एसी सोर्स, वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ओमेगा सोर्स का होता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर 1/2 √LC होगा देन आई कैन से एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक्सएल और एक्सी अगर सेम हो गया तो जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और सर्किट रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो सर्किट रेजोनेंस में कब जाएगा बच्चे, याद रख, सर्किट रेजोनेंस में कब जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, रेजोनेंस मतलब क्या, कि सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट का रेजोनेंस मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा मतलब f = 1/2 √LC, ये कंडीशन उसकी फ्रीक्वेंसी की रहेगी और पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे है? अभी मेरे घर पे टीवी है और टीवी के लिए मैंने एक सेटअप बॉक्स खरीदा है। ओके, आपको पता है कि 31 दिसंबर से पहले सेटअप बॉक्स लगाना अनिवार्य है ना, यू नो एड चलते थे, लोग उठा रहा है सेटअप बॉक्स, सब लोग लगा है। सेटअप बॉक्स से मैं टीवी से कनेक्ट करता हूँ और मैं चैनल परचेस करता हूँ। सपोज मैंने 100 चैनल परचेस किए, ओके 100 चैनल परचेस किए सेटअप बॉक्स से, और उधर से जो सेटअप बॉक्स से वायर आती है टीवी के पीछे लगती है, और टीवी के पीछे जहां पे वो लगती है वो एलसीआर सर्किट रहता है। तो उसमें एट अ टाइम आप समझ लो 200 सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि 100 चैनल्स करते हैं, 100 सिग्नल्स आ रहे हैं, ऐसे सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, वो जो वायर है सेटअप बॉक्स आ रही है उसमें से 100 सिग्नल्स आए, कितने सिग्नल्स आए 100, और सब लोग ने आके टीवी का जो एलसीआर सर्किट है उसमें अपना अपना ईएमएफ बनाया और अपना अपना करंट बनाया, तो सारे चैनल्स आके अपना करंट बना रहे। ठीक है, सोनी आ रहा है, डिस्कवरी आ रहा है, जी टीवी आ रहा है, सब चैनल अपना अपना करंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की और अगर मैं बात कर रहा हूँ पावर की, पावर का फॉर्मूला I²Z लिखता हूं क्योंकि अपोजिशन जेड है। ओके, तो सोनी की एक कुछ फ्रीक्वेंसी है, जी की कुछ फ्रीक्वेंसी है, डिस्कवरी की कुछ फ्रीक्वेंसी है, सब चैनल्स इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, और हर एक जन अपना करंट बना रहे, हर एक जन अपनी पावर बना रहे। ठीक है, तो टीवी के पीछे सब लोग ने आके अपना ईएमएफ बनाया, सब लोग ने अपना आके करंट बनाया, सब लोग ने अपनी पावर जनरेट की, बराबर है? पर कोई एक चैनल रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेगी। एट अ टाइम 100 चैनल्स, उस वायर से 100 चैनल टीवी के पीछे आ गए एलसीआर सर्किट में, 100 सिग्नल एट टाइम आए, पर कोई एक चैनल, कोई एक सिग्नल रहेगा जो ये फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई करता रहेगा, बराबर है? वो तो मैक्सिमम करंट बना देगा क्योंकि वो सिग्नल सर्किट के साथ रेजोनेंस में, या फिर सर्किट उसके साथ रेजोनेंस में चला गया, तो वो सारों ने अपना अपना करंट बनाया, मतलब जी ने अपना करंट बनाया, सोनी ने अपना करंट बनाया, डिस्कवरी ने अपना करंट बनाया, पर कोई एक चैनल, लेट अस से डिस्कवरी, मैक्सिमम करंट बना रहा है, तो उसकी पावर मैक्सिमम रहेगी, तो वो मैक्सिमम पावर बनाएगा। ठीक है, वो अपना क्या बनाएगा, मैक्सिमम पावर बना देगा ऐसा। ठीक है, तो सारे चैनल्स ने अपना अपना करंट बनाया, उसने मैक्सिमम बना दिया। टीवी पे क्या दिखता है, टीवी आउटपुट है, तूने जो वायर लगा वो इनपुट है, टीवी पे क्या दिखता है, जितना भी पावर जनरेट होता है उसका हाफ पावर टीवी पे दिखता है। ओके, ये P/2 हाफ पावर, इसके ऊपर वाला सेगमेंट टीवी पे दिखेगा, मतलब ये टीवी पे दिखने वाला है इतनी, समझा? तो टीवी पे जो दिखेगा वो डिस्कवरी दिखेगा इतना। ओके, हाफ पावर के ऊपर ही आउटपुट हमेशा आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ऐसे रखते हैं। मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक
ये सारी फ्रीक्वेंसी ओके कहां पे दिख रही है, टीवी पे दिख रही है। तो ये सारी या एक नहीं सारी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है कुछ दिख रहे हो तो उसमें ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, फिर ऑडियो में भी ह्यूमन वॉइस है, फिर अलग अलग वॉइस होते हैं ओके सब आउटपुट में दिख रहे हैं, सब आउटपुट से आ रहे हैं। तो सारे फ्रीक्वेंसी कवर होने चाहिए ना, ह्यूमन वॉइस कवर होना चाहिए, वीडियो दिखना चाहिए, तबले का आवाज आना चाहिए, सितार का आवाज आना चाहिए, हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग है तो सब मुझे दिखना चाहिए। तो ये इसलिए इतनी सारी फ्रीक्वेंसी हमें आउटपुट में दिखती है। तो डिस्कवरी की सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक इलाका किसका है, डिस्कवरी का है। तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं उसको, बैंडविड्थ। तो ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी मुझे आउटपुट में दिख रही है, याद रखो। तो जब मुझे Z को उसके बाजू वाला फ्रीक्वेंसी Z का, तो Z का जब मैं फ्रीक्वेंसी डिसाइड करूंगा तो ये बैंडविड्थ में Z नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बैंडविड्थ किसकी है, डिस्कवरी की है। तो अगर इस बैंडविड्थ में Z आ गया तो थोड़ा बहुत Zee TV भी दिखेगा, डिस्कवरी के साथ मिक्स हो जाएगा ओके, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। और ऐसा नहीं होता, हम डिसाइड करते भाई ये बैंडविड्थ है, इसमें और कोई चैनल नहीं आना चाहिए, तो दूसरे चैनल को थोड़ा अलग मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी उसकी, कुछ अलग बैंडविड्थ है। अब मैंने चैनल चेंज किया, बोर हो गया डिस्कवरी देख के, वही सब पशु प्राणी देख के बोर हो गया, मैंने चैनल चेंज कर दिया। अगर मैंने चैनल चेंज कर दिया तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, ये जो कैपेसिटर रहता है वो वेरिएबल रहता है, ये कैपेसिटर जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कैपेसिटर होने से ये C की वैल्यू चेंज हो जाती है, चैनल चेंज कर दो तो C चेंज होता है, C चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो किसी और चैनल के साथ वो रेजोनेंस में जाएगा। अभी डिस्कवरी के साथ जा रहा था तो अभी C चेंज हो गया, चैनल चेंज किया तो C चेंज कर दिया, C चेंज कर दिया तो कोई और चैनल के साथ वो रेजोनेंस में जाएगा, और जिस चैनल के साथ वो रेजोनेंस में जाएगा वो मैक्सिमम करंट बनेगा, लेट अस से वो Zee TV, तो Zee TV मैक्सिमम करंट बनाएगा, तो ये डिस्कवरी का कम हो जाएगा और Z का करंट बढ़ेगा, और ये आउटपुट इतना Z का मुझे टीवी पे दिखेगा, ठीक है। तो एक टाइम पे एक सिग्नल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो LCR सर्किट है हमने 100 सिग्नल डाले पर आउटपुट में वो एक ही सिग्नल दे रहे हैं, एक टाइम पे एक ही चैनल दिख रहा है, ऐसा हो रहा है कि टीवी पे 100 चैनल दिख रहे हैं, एक साथ थोड़ा इधर थोड़ा इधर देना, एक टाइम पे वो एक ही इनपुट आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसलिए LCR सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टर सर्किट। आपने 100 सिग्नल डाले एक टाइम पे एक, मतलब ये बहुत मजेदार चीज है। अभी मैंने आपको इन शॉर्ट बताया, ठीक है, एंट्रेंस के लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करता हूँ इसके ऊपर, फिर सिम कार्ड की बात करता हूँ, हमारे जो मोबाइल की नंबर रहते हैं, हमें जो रिंग आती है वो सब बात करता हूँ, बट यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एलसीआर सर्किट का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कि आप जो भी सिग्नल भेजोगे, 1000 सिग्नल भेजो और एक टाइम पे वो एक ही का आउटपुट देगा ओके, और आउटपुट पे हाफ पावर के ऊपर आता है। ये थोड़ा बहुत है, अभी बोर्ड्स में इतना डिटेल में नहीं है, तू पढ़ो मत, सिर्फ आप ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी याद रखो, और रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस के साथ मतलब एवरीथिंग, व्हाट पॉइंट्स, व्हाट वी रिक्वायर टू राइट इन एग्जाम इज दिस। ये आपको लिखना नहीं है तो मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डू इट ओके, पर ये मजेदार चीज है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा क्या हो रहा है, ठीक है। LCR सर्किट इज एन एक्सेप्टर सर्किट, आप उसके ऊपर जितने चाहिए उतने सिग्नल्स भेजो ओके, आउटपुट में वो किसी एक के साथ रेजोनेंस में जाएगा, जिसके साथ जिस सिग्नल के साथ रेजोनेंस में जाएगा उसके साथ वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बट वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट बिकॉज वी हैव टू स्टडी इन शॉर्ट, वी डोंट हैव टू वेस्ट एनर्जी ऑन द थिंग्स व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टाइम फटाफट करते, सर्किट रेजोनेंस में जाता मतलब क्या होता है, एक्सएल और एक्सी सेम हो जाता है, सर्किट रेजोनेंस में आता है मतलब सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, एलसीआर सीरीज सर्किट इज इन रेजोनेंस मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, एलसीआर सीरीज सर्किट इज इन रेजोनेंस मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा, जब अपोजिशन मिनिमम होगा, और अपोजिशन मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएगा, और एक्सएल और एक्सी कब सेम होगा, आने वाली फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि वो रेजोनेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा आने वाले सिग्नल की, जब ये फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे जो एल और सी लगा है सर्किट में, जो एल और सी लगा है और आने वाली फ्रीक्वेंसी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन सर्किट रेजोनेंस में जाएगा, मैक्सिमम करंट रहेगा एंड आउटपुट अपने को मिलेगा। इज इट क्लियर, कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, बहुत बात कर सकता हूँ बट जरूरत नहीं है, इसलिए आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ
टू दी पॉइंट आप उतना पढ़ो, क्योंकि आपके पास जो उतना टाइम नहीं रहता है, सो डिटेल में कभी एंट्रेंस का लेक्चर हम बनाएंगे तो उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों? सो टिल दैट थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज स्टडी, गेन योर कॉन्फिडेंस, ओके? थैंक यू वेरी मच.